यही जाएंगे मायूं का जोड़ा। आशिक मदर जो है ना वो मुझसे अब इतना चिढ़ गई होगी कि मैंने उसके बेटे को इतना मारा है। बहुत खुश थी वो। मैं मीटिंग में जा रहा हूँ, ये हाशिर लाएगा। पर ये हाशिर मैं नहीं ला रहा। कैसे माँ आगे दिखाओ भाई। अच्छा मध्य तो मुझे मिस कर रही थी जी। बाबू भैया का कैरेक्टर लो, एक टिकटॉक स्टार, दूसरा टेनिस स्टार, कोई इंसानों वाला कोई काम नहीं कराना अपने उलाद से। मतलब हम लोग मोहब्बत देखने के आदी नहीं है मुझे लग रहा है। बिलीव इन योर सेल्फ। ये देखें जी, ये हमारी प्यारी सी चांद तारा की टीम है जो कि बड़ी मेहनत के साथ इन्होंने काम किया है, और ये है हमारे कैप्टन दानिश नवाज। हमारे ड्रामे में प्यार बहुत था जैसे कि आपने देखा ना। अच्छा लोगों को थोड़ा सा परेशानी भी हो रही थी कि ये कैसे हो गया। मतलब हम लोग मोहब्बत देखने के आदी नहीं है मुझे लग रहा है कि जब लोग प्यार देख रहे हैं दिखा रहे हैं तो लोगों को लगा यार ऐसा कहाँ होता है भाई, ऐसा हो सकता है अगर आप लोग चाहें। कॉमेडी मैंने फर्स्ट टाइम की है और इसमें बहुत बड़ा क्रेडिट जो है ना वो दानिश पे जाता है। अगर मैंने अच्छा किया बुरा किया व्हाटएवर सब दानिश पे दबाया। सब कुछ साडे उत्ते पा दो। ठीक है जी, थैंक यू। कैसी हैं आप आशिर? मैंने सोचा कि आशिर की मदर जो है ना वो मुझसे अब इतनी चिढ़ गई होगी कि मैंने उसके बेटे को इतना मारा। नहीं, बहुत खुश थी वो। हाँ, क्या कहा? वो कहती जितना जो कमी मेरे में रह गई थी मारने में वो आपने पूरी कर दी। नहीं नहीं, लेकिन आशिर ने बहुत अच्छा किया। आशिर तुम्हें लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। थैंक यू आपा। नहीं, आपको भी सबको कर रहे हैं, और जो गज़ल आपा के सारे फैंस और फॉलोअर्स देख रहे हैं ब्लॉग उन सबको थैंक यू प्यार देने के लिए। एंड आई एम श्योर बहुत लोग ओवरसीज से भी देख रहे होंगे ये ब्लॉग, तो उन सबको थैंक यू। And I'm very honored, very privileged to be working with her. I think बहुत अच्छा experience था। Hello। क्या हाल है माँ? बिल्कुल ठीक। माँ के साथ youngsters जो है ना उनमें इतनी energy है कि बड़ा मजा आया काम पे। नहीं, हमसे ज्यादा आप में। अब सबसे बातें भी चलती रहेंगी, लेकिन सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ वो चांद नगर जहाँ चांद तारा की रिकॉर्डिंग होती रही। और ये एक बहुत बड़ा घर था, लेकिन इस वक्त मैं आपको लेकर चल रही हूँ छत पर जहाँ पर चांद तारा की पहली एपिसोड की रिकॉर्डिंग का इंतज़ाम हो रहा है। और वो सीन जिसमें सारिम जो है वो ड्रीम देखता है तारा के बारे में, उसकी तैयारी हो रही है। सख्त ठंड में हमारी रिकॉर्डिंग शुरू हुई थी, यानी जनवरी के महीने में। मैं मीटिंग में जा रहा हूँ, ये हाशिर लाएगा। मर गया हाशिर, मैं नहीं ला रहा। यस, ये तो एक्चुअल नहीं लाऊंगा, और कौन लाएगा? हाँ तारा, अरे बस निकल गया, मैं आ रहा हूँ। हेलो, चलेंगे पेशेंट नंबर। हम सब एक्चुअली इंतजार कर रहे हैं अपने अपने सीन्स होने का, तैयार होकर बैठे हुए हैं और हम देख रहे हैं अब किस पेशेंट की बारी आई है। कैसे महक आगे दिखाओ। अच्छा, और ये है आयशा जो हमारी मेकअप आर्टिस्ट हैं। चांद तारा के और भी मेकअप आर्टिस्ट थे, लेकिन मेजर काम आयशा ने किया था हमारा। हो रही होती है, हम टाइम कैसे पास करें। रुमैसा के साथ बहुत एंजॉय किया मैंने चांद तारा के रिकॉर्डिंग के दौरान। तो जितनी देर मेरा मेकअप हो रहा था उतनी देर जो है वो बैकग्राउंड में बहुत ही फन हो रहा था, और मैं उसको एंजॉय कर रही थी सुन सुन के। मध्य तो मुझे मिस कर रही थी। कितना मिस किया? बहुत ज़्यादा। शक्ल देखो कैसी बना रही हूँ, मासूम सी शक्ल। डायलॉग में बोलेगा चलो। एक टिकटॉक स्टार, दूसरा टेनिस स्टार, कोई इंसानों वाला कोई काम नहीं कराना अपने उलाद से। दायापुर, ये वीडियो देखें। बहुत बहुत अच्छा काम कर रही हैं आप, फुल एनर्जी के साथ कर रही हैं। मतलब लग नहीं रहा कि आपको बहुत कोई गैप के बाद आई है, लग रहा है कि आप रेगुलर काम करती हैं और मतलब बिल्कुल फिट हो गई पहले दिन से ही, पहले सीन से। सच बोल रहा हूँ, सच। और इस वक्त आपको नजर आ रही है हमारी बहुत ही प्यारी सी आर्टिस्ट सबा फैसल, जिनका मेकअप हो रहा है।
और जब तक इनका मेकअप हो रहा है मैं आपको बाहर लेकर चलती हूँ। एक बहुत ही ज़बरदस्त सीन की तैयारी हो रही है, जो आपका बहुत ही फेवरेट चांद तारा का सॉन्ग आपने देखा उसकी तैयारी देखें कैसे हो रही है। जैसे ही ये सारी डेकोरेशन कंप्लीट हो जाएगी तो फिर हमारी रिहर्सल शुरू होगी। जबरदस्त, और आपसे मिलके और भी बहुत अच्छा लगा। मैं आपको व्लॉग देखती हूँ, आपको व्लॉग बहुत पसंद है और आप भी बहुत प्यारी हैं। शुरू कर यार, छोड़ दे सब, जा राजा टाइम वेस्ट वाली बातें ये कौन दिया बैठी है बात में। रोल सब रेडी है, सब अरे अब घर से बाहर जाएगी जिसकी भी बॉल वो आउट है। ठीक है, कंटिन्यूटीज का ख्याल है। सीटो दो पास। हमारी बहुत सारी रिकॉर्डिंग रमज़ान के महीने में हुई है, इस वक्त सबका रोज़ा है, सब इंतज़ार कर रहे हैं इफ्तार के टाइम का, सब बहुत थके हुए हैं, तो अब इफ्तार करेंगे हम सब मिलकर। डिफरेंट डिफरेंट टाइमिंग्स में इसके रिकॉर्ड किए थे, तो कुछ सीन्स आप देख चुके हैं, कुछ सीन्स जो अभी आपने नहीं देखे जो कि आप फ्यूचर की वीडियोस में देखेंगे, तो लेकिन हर सीन के लिए बड़ी मेहनत होती है। थोड़ा सा आप पीछे रहोगे, पीछे खामोशी यार। माफी मांग चुकी हूँ बेचारी मुझसे, ये ऊपर ऊपर से माफी मांगी है इसने। हेलो मदीना, कैसी हैं? मेहनास की परवाह से जलता है जमाना। कोई नहीं जलता, सब आपको बहुत प्यार करते हैं। आई नो, मुझे सेट पे बहुत प्यारी बहन मिल गई है। ओह सो नाइस ऑफ हर। और इतना मैं इसको मिस करती हूँ, जब किसी दिन रिकॉर्डिंग में मदिया नहीं होती तो इसको कॉल करती हूँ, मदिया तुम नहीं हो, मज़ा ही नहीं आ रहा है, क्योंकि ये हर वक्त जो है ना चुलबुली, हाँ बातें बातें चैटर बॉक्स आई है। नौफिल जो है वो हमारा मेकअप आर्टिस्ट है इस चांद तारा में, कहीं अगर आपको हमारा मेकअप बुरा लगा हो तो ये इसने किया है हमारे साथ। अब एक ऐसा इंसान जिससे टीम के सारे मेंबर्स की ऑलमोस्ट लड़ाई हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी वो इतना खुश इखलाक है, अभी तक जिंदा भी है। ईडी को कंसिस्टेंट होना बड़ा जरूरी है, आजकल प्रोडक्शन को कंप्लीशन तक लेके जाना सबसे मुश्किल काम है। नो डाउट। तामीन चांद तारा के डीओपी, जिन्होंने चांद तारा में चार चांद लगाए। क्या हाल है तामीन? जमाल क्या करते हो तुम? मैं बस यही करता हूं। नहीं क्या तुम्हारा वैसे डिजाइनेशन क्या है यहां पर? सेकेंड असिस्टेंट डायरेक्टर। अच्छा, गुस्सा शदीद इस पर आता होगा हमें, लेकिन उसके बावजूद भी हंस लेता है तो वो सारा गुस्सा ठंडा हो जाता है। यही तो गुर है हमारे अंदर। आए, आए। ये है दाइम, हमारे लाइन प्रोड्यूसर फैसल, ऑडियो इंजीनियर और शाहिद और असगर, ये दोनों स्पॉट बॉयज हैं और इन्होंने हमें बहुत मज़ेदार सी कॉफ़ी बना कर दी, हमारे बहुत सारे काम किए, थैंक यू सो मच। गजल अगर आप इस सीरियल में नहीं होती तो क्या होता, तो सब लोग बहुत एंजॉय किया। ओके जी, सबको अल्लाह हाफिज़।
फिर मिलेंगे आपके साथ और एक जबरदस्त वीडियो के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज़।